खरगोन जिले के बड़नगर तहसील के इंगोरिया गांव में बड़ा ही प्रसिद्ध प्राचीन श्री गणेश जी का मंदिर है। यहां पर हर समय बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी और भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विधि विधान के साथ रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश की पूजा अर्चना कर शीश नवा रहे हैं। इंगोरिया गांव के इस समय गणेश भक्ति के रंग में सब रंगे हुए हैं। श्री गणेश की पूजा अर्चना करने और मंदिर परिसर क्षेत्र में होने के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सभी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा याद राक्षस लोग करते हैं, बोले कृष्ण भगवान की जय। और मैं यह भी कहूंगा परीक्षित, भक्त लोग भगवान को कभी कभी भूल भी सकते हैं, लेकिन इस गणेश जी का नाम गणेश मंदिर तो सार्वजनिक है जो गांव का, पर गणेश जी का नाम गोपुर गणेश है। ये गाय की खुरी में से निकले हुए हैं, इसी वजह से इनका नाम गोपुर रखा गया है। और यहाँ ये जो 10 दिन भगवान गजानंद के दर्शन के लिए भक्तों का ताता लगता है। हर साल जो आज भगवत जी हो रही है, ये भी हर साल की परंपरा है। यहाँ हर साल भगवत जी करवाना है। और जो चिंतामणि गणेश जी वो विराजित हैं और ये धरती में से उत्पन्न हुए हैं। और इनसे महत्वता बढ़ती है। पुराना है शर्मा जी, करीबन 1000 साल हो गए होंगे, मतलब जानकारी बड़ुआ जी पोथी में लिखा हुआ है। और ये बहुत बड़ा गोवर्धन सागर तालाब था, एक बीच में गणेश जी की मूर्ति गाय के खुर में से निकली है। छोटे से थे गणेश जी, जब खोदने गए गांव वालों से खुदाया भी नहीं, फिर वहीं उनका मंदिर बना दिया हमने। ये करीब 800-900 साल पुरानी बात है। और आज भी बाहर से लोग आते हैं, 10 दिन तक उत्सव मनाते हैं गणेश उत्सव। यहाँ आरती होती है दोनों समय, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम। और बन्नेगढ़ से भी, बाहर से उज्जैन इंदौर से भी लोग आते हैं। बाहर के भी आ चुके हैं, इंग्लैंड के भी 2 आदमी आ चुके हैं, मतलब किशन थे वो खुद आए थे, मतलब ये करीबन 1-6 महीने की बात है। शनि मंदिर पे भी आ चुके हैं वो। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, मतलब बहुत पुराना। अब वो खुद को पता नहीं किसी को भी, गोवर्धन सागर तालाब था बहुत बड़ा। ये तालाब भी तालाब में है, नहीं महाकाल वन था यहाँ तक। ये ना आज भी गांव के साइड में पाल बनी हुई है, जिसको पाल के नाम से पहचानते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।